अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर हुई ग्राम विकास एवं पलायन आयोग की बैठक। प्रवासियों को उत्तराखंड में ही रोजगार देने पर जोर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में आज ग्राम विकास एवं पलायन आयोग की बैठक हुई, जिसमें आयोग के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते बहुत से प्रवासी मजदूर राज्य में वापस आए हैं, उन सभी को रोजगार उपलब्ध करवाना हमारी पहली जिम्मेदारी है। साथ ही राज्य में किसी को भी रोजगार करने में समस्या न हो, इसे ध्यान में रखते हुए हमें उचित कदम उठाने होंगे। महिलाओं को भी रोजगार के लिए लोन मिल सके, इसलिए खाता धारक के साथ उसकी पत्नी का भी नाम शामिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रवासी मजदूरों की पूरी जानकारी इकट्ठा की जाए, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग राज्य में काम करना चाहते हैं और उनके पास किस तरह का कौशल है। राज्य में किन क्षेत्रों में रोजगार की अधिक संभावना है, किन गांवों तक अभी तक सड़क नहीं पहुंची है और कहां पर पेयजल की समस्या है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्तर के उत्पादों पर जोर देते हुए उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा, जिससे ग्रामीण स्तर के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा सके। बता दें कि आयोग अब तक सरकार को अपनी 3 रिपोर्टें सौंप चुका है, जिसमें उसने पलायन रोकने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।